नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल रंजन स्टडी इंडिया अड्डा डिजिटल ऑफ लर्निंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, इस चैनल पे कंटिन्यू क्लासेज आरआरबी जेई सीबीटी 2 का चल रहा था। दोस्तों, आरआरबी जेई सीबीटी 2 का एग्जाम कंप्लीट हो गया है। इस चैनल पे अच्छे तरीका से जो है, जिस तरीका से रेलवे द्वारा ऑफिशियली सिलेबस प्रोवाइड कराया गया था दोस्तों नॉन टेक का, उसी तरीका से 100% सिलेबस कंप्लीट करवा दिया गया है, जिसमें स्टूडेंट का फीडबैक आ रहा है कि लगभग 50 नॉन टेक में से 40+ क्वेश्चन डायरेक्ट मास्टर वीडियो से आए हैं। इसीलिए आप लोग को लगातार कमेंट आ रहा था, मैक्सिमम स्टूडेंट यहां पे कमेंट कर रहे थे एनटीपीसी ग्रुप डी का सेशन स्टार्ट करने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, आज से दिनांक 2 सितंबर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 2 सितंबर यानी आज से एनटीपीसी और ग्रुप डी का साथ ही साथ डेली रेगुलर क्लासेस चलेगा और ये प्रैक्टिस सेट रहेगा दोस्तों। प्रैक्टिस सेट जिस तरीका से आपको आरआरबी के द्वारा जो सिलेबस प्रोवाइड कराया गया है, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस एंड करंट अफेयर सभी का मिक्स क्वेश्चन रहेंगे और ये दोस्तों पूरा क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है। ध्यान दीजिएगा, आरआरबी के द्वारा जो सिलेबस प्रोवाइड कराया गया था एनसीईआरटी बेस्ड है। ये सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, टिल आपको एग्जाम तक चलेगा और डेली ध्यान दीजिएगा 9 PM में डेली नाइट में दोस्तों आपका ये सेशन कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, जो स्टूडेंट नए हैं उन लोग को बता दूं, इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ कंटिन्यू गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड महत्वपूर्ण सेशन अपलोड होते रहता है। तो किसी भी तरह का डाउट हो जीके जीएस में, इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर के अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ध्यान दीजिएगा, ये लाइव टेस्ट का टेस्ट नंबर 1 है। इस टेस्ट का फीडबैक सही रहा दोस्तों तो ये कंटिन्यू टिल लास्ट तक आपका जो है एग्जाम तक जो है आपको सेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। और ये जो है एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों के लिए महत्वपूर्ण कारगर साबित होगा, जिस तरीका से आपको आरआरबी जेई सीबीटी 2 में स्टूडेंट को बेनिफिट हुआ है, जिस उसी तरीका से दोस्तों एनटीपीसी ग्रुप डी में भी ये सेट से बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। इसीलिए डेली हैबिट बनाइए 9 PM में नाइट में दोस्तों टेस्ट लगाने के लिए। आज जो है थोड़ा सा डेट जो है, टाइम जो है दोस्तों रिशेड्यूल हो गया है। ठीक है, डेली जो है आपका टाइम पे आपको टेस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। इसलिए जो स्टूडेंट नए हैं फटाफट कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि घंटी का बेल आइकन ऑन रहेगा तभी चैनल पे जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होता है उसका सीधा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक एंड व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि इसका बेनिफिशियल आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग, जितने स्टूडेंट लाइव हैं सभी लोग साथ ही साथ कमेंट करते जाइएगा। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर को, एक क्वेश्चन के लिए मैं आपके लिए जो है 5 सेकंड का, 5 से 10 सेकंड का आपको समय दूंगा, उसके बाद मैं करेक्ट आंसर बताऊंगा। चलिए दोस्तों हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़िएगा उसके बाद बनाने की कोशिश कीजिएगा। इच एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन रेगुलर पॉलीगोन मेजर इन 9 डिग्री, हाउ मेनी साइड डज द पॉलीगोन हैव। कहने का मतलब दोस्तों, एक समचतुर्भुज का प्रत्येक बहिष्य कोण 9 डिग्री का यानी 9 डिग्री का हो तो समबहुभुज की कितनी भुजाएं होगी। बहुत अच्छा एंड सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, सभी के द्वारा कमेंट आना चाहिए, फटाफट सभी लोग सोल्व कीजिए। ओनली 5 to 10 सेकंड आपके पास है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन इस चैनल पर ऑलरेडी करवाया गया है, कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो यहाँ पे दोस्तों क्या पॉलीगोन की बात हो रहा है, कितना होता है 360 होता है टोटल एंगल। ठीक है, 360 डिवाइडेड बाय हम लोग क्या कर देंगे, 360 डिवाइडेड बाय जितना भुजा होता है उससे हम लोग को डिवाइड करना होता है। तो मान लेते हैं हम लोग को एन भुजा है, तो यानी कहने का मतलब दोस्तों तभी तो जो है जितना भुजा है उससे डिवाइड कीजिएगा, तब एक जो है प्रत्येक कोण यानी एक कोण का जो है आपको वैल्यू मिलेगा। ठीक है दोस्तों, एक भुजा का जो है आपको वैल्यू मिलेगा, तो इसे डिवाइड करने पे यहाँ पे कितना बहिष्य कोण का प्रत्येक भुजा का डिग्री 9 डिग्री गिवन है, बस 9 डिग्री गिवन है दोस्तों। तो हम लोग को एन के वैल्यू निकाल देना है, एन यानी 360 को डिवाइड कर दीजिए 9 मरतबे 9 चौके 36, यानी कहने का मतलब दोस्तों एन बराबर क्या आ गया 40, एन बराबर कितना आ गया 40, सभी का आना चाहिए आंसर, एन बराबर 40 कहने का मतलब ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो सम बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं दोस्तों, एक सम बहुभुज के प्रत्येक बहिष्य को 9 डिग्री का हो तो सम बहुभुज की भुजाएं जो होगा 40 डिग्री का होगा, 40 डिग्री आपका करेक्ट आंसर 40 डिग्री होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मोहन करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सभी लोग कमेंट कीजिएगा।
सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वेलेंट टू पॉइंट बार में गिवन है दोस्तों 5 6, निम्नलिखित में से कौन सा इसके तुल्य है। सभी लोग कमेंट कीजिएगा जितने स्टूडेंट लाइव है, अक्सर इसी टाइप के आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिखने को मिलेगा मेरे दोस्त, इसलिए वीडियो को डेली हैबिट बनाइए प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए, क्योंकि जिस तरीका से आरआरबी के द्वारा क्वेश्चन सेट किया जाता है सेम उसी पैटर्न पे आपको प्रोवाइड कराता हूं, इसलिए डेली हैबिट बनाइए, सभी टाइप के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा। बस इसे कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको क्या करना है, जो गिवन है 0.56 के ऊपर क्या है बार है, तो बार को जब हटाते हैं दोस्तों तो बटा में जो है आपको 9 जो है उसके जगह पे आ जाता है, तो क्या इसमें कुछ नहीं करना है, इसको अगर बार को हटाएंगे तो क्या आएगा 56 अपॉन क्या, 2 डिजिट है यानी 99 हो जाएगा, 56 अपॉन 99 यानी कहने का मतलब ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। आई होप सभी लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आइए दोस्तों, सभी टाइप के क्वेश्चन आपको मिक्स प्रोवाइड करा रहा हूं, इसलिए ये मत समझिए क्वेश्चन इजी और मॉडरेट, मिक्स क्वेश्चन है दोस्तों, जिस तरीका से रेलवे प्रोवाइड कराता है। कंप्लीट द एनालॉजी, समानता को पूर्ण कीजिए दोस्तों, रीजनिंग क्वेश्चन है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा, जितने स्टूडेंट है सभी लोग कमेंट कीजिएगा, या आप सही कमेंट कर रहे हैं या गलत कमेंट कर रहे हैं उसका इफेक्ट नहीं पड़ता है दोस्तों, कमेंट कीजिए, उसके बाद आपको हैबिट होगा, ठीक है, हैबिट होगा दोस्तों, तभी आप जो है सीख पाइएगा, कमेंट कीजिएगा तो आपको कुछ समय के लिए याद रहेगा, इसलिए कमेंट सभी लोग क्या कीजिए। इसको कुछ नहीं करना है दोस्तों, क्या करना है, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 तरीके क्या होता है 9, उसमें प्लस 2 ऐड कर देंगे तो 9 और 2 क्या होता है 11, 3 का स्क्वायर कीजिएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2, 3 तरीके 9 प्लस 2 क्या होता है 11, 7 का स्क्वायर कीजिएगा 7 49 प्लस 2 कीजिएगा क्या आएगा 51, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सभी लोग इसी तरीका सोल्व करते रह जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 9th नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, मिक्स क्वेश्चन है इसलिए सभी लोग सोल्व कीजिएगा। ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा, जितने स्टूडेंट है सभी लोग कमेंट किया कीजिए। ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन द प्रिंसिपल पर दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है आपको कमेंट करना है, ये करता है दोस्तों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, TIR इसी को बोला जाता है, TIR कहने का मतलब दोस्तों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे ऑप्टिकल फाइबर वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 11th नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, सभी लोग कमेंट कीजिएगा, द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर विद द रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर, दोस्तों रेडियस से जो है सर्कुलर सिलेंडर का रेडियस क्या गिवन है दोस्तों 1 सेंटीमीटर है, एंड हाइट 2 सेंटीमीटर गिवन है, तो आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, बस फॉर्मूला यूज कीजिए, आपका आंसर आपके सामने आएगा, सभी लोग फॉर्मूला यूज कीजिए, लगाइए फटाफट सोल्व कीजिए। क्या होता है दोस्तों, बेलन का आयतन की बात हो रहा है, आपका सिलेंडर की आयतन वॉल्यूम की बात हो रहा है, वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, क्या होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच होता है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई का वैल्यू आपको गिवन है क्या लेना है 22/7 लेना है, गुने आर कितना गिवन है दोस्तों रेडियस गिवन है 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही आएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, एच हाइट कितना है 2 सेंटीमीटर यानी 2 हो जाएगा, कहने का मतलब 22 × 44 44/7 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे आपको वॉल्यूम पूछ रहा है तो वॉल्यूम क्यूब में होता है, ठीक है, आपको ये जो है आपको पता होना चाहिए, वॉल्यूम क्यूब में होता है यानी आपका 44/7 सेंटीमीटर क्यूब होगा, जो कि ऑप्शन डी में गिवन है दोस्तों, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का 100% करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सम किंग आर क्वीन, कुछ नहीं करना है, सम किंग आर क्या है क्वीन है, क्या है कुछ है यानी ये पार्ट है, सम किंग आर क्वीन, ठीक है, ये पार्ट जो हो गया दोस्तों सम में आ गया, ऑल क्वीन आर ब्यूटीफुल, ये पूरा क्वीन जो है दोस्तों क्या है ब्यूटीफुल है, कहने का मतलब कुछ राजा रानियां हैं, कुछ राजा रानियां हैं, सभी रानियां सुंदर है, ऑल क्वीन आर ब्यूटीफुल, ऑल क्वीन आर ब्यूटीफुल। चलिए हम लोग डायग्राम बना लिए, अब हम लोग कंक्लूजन मिला करके देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है, ऑल किंग आर ब्यूटीफुल, ऑल किंग आर ब्यूटीफुल, बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे सम किंग जो है ब्यूटीफुल हो रहा है, ऑल नहीं हो रहा है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट जो है फर्स्ट कंक्लूजन दोस्तों बिल्कुल इनकरेक्ट हुआ, गलत हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल क्वीन आर किंग,
ऑल क्वीन आर किंग, नहीं बिल्कुल गलत है दोस्तों, सम अगर रहता तो यहां पे सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होता, इसलिए ये भी इनकरेक्ट है। आपका आंसर जो होगा, आंसर आपका बी होगा इस क्वेश्चन का, नाइदर कंक्लूजन वन एंड नॉर टू, यानी कहने का मतलब दोस्तों दोनों कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव ऑन करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 13 नंबर क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन है इफ गुना स्टैंड फॉर एडिशन, बस कुछ नहीं करना दोस्तों, रीजनिंग का क्वेश्चन है ये जो है। गुना कहने का मतलब एडिशन का काम कर रहा है, भागा जो है ये किसका सब्ट्रैक्शन का काम कर रहा है, प्लस जो है दोस्तों मल्टीप्लीकेशन का काम कर रहा है, माइनस जो है डिविजन का काम कर रहा है। इसको दोस्तों आपको वैल्यू जो है निकालना है, सभी लोग निकालिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सभी टाइप के क्वेश्चन करवाया जाएगा दोस्तों, बस आप लोग डेली हैबिट बनाइए। चलिए कुछ नहीं करना है, 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग सोल्व कीजिए। क्या करना है दोस्तों, मैं एक बार हाईलाइट कर दूं, आपको प्लस की जगह क्या करना है, प्लस क्रॉस करना है, मल्टीपल गुना है दोस्तों, माइनस क्या हो रहा है, प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, क्रॉस क्या है, क्रॉस जो है दोस्तों प्लस में है, माइनस, हाँ माइनस जो है डिवीजन में, ध्यान दीजिए सॉरी डिवीजन में है, और क्या हो रहा है, डिवीजन जो है दोस्तों माइनस में हो रहा है। आप सभी लोग सोल्व कीजिए, डिवीजन क्या हो रहा है, माइनस में हो रहा है, सभी के द्वारा आंसर आना चाहिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आई होप सब लोग सोल्व कर लिए होंगे। क्या करना है दोस्तों, 20 गुना के जगह प्लस 8, भागा के जगह माइनस 8 भागा 4 गुने 2, ठीक है, इसको सोल्व कर दीजिए। क्या आएगा दोस्तों, 20 प्लस 8 माइनस, यहां पे दोस्तों 4 दुनी के 8 हो गया, 8 माइनस 2 गुने 2 हो गया, कहने का मतलब 20 प्लस 8 माइनस 4 हो गया, इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या होगा दोस्तों, 20 8 28, यानी डायरेक्ट 8 माइनस 4 कर दीजिए तो क्या होगा, 4 20 और 4 24, कहने का मतलब 24 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन ए में गिवन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सभी टाइप के क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है, बस लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। द मीन डिविएशन ऑफ द डाटा, दोस्तों ये डाटा जो गिवन है इसको मानक विचलन निकालना है, मीन डिविएशन निकालना है। मीन डिविएशन सभी को पता होना चाहिए, मीन मोड मीडियन, ये तीनों से क्वेश्चन एक या दो आपको एग्जाम में दिखने को मिलेगा, मीन मोड और मीडियन, ये तीनों से आपको दिखने को मिलेगा दोस्तों। सभी लोग कमेंट कीजिएगा आपको क्या निकालना है, मीन डेविएशन निकालना है, मानक विचलन निकालना है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको सबसे पहले मीन निकालना होगा, ठीक है, मीन निकाल दीजिए, मैं सिंपल शॉर्टकट एंड इजी वे बता रहा हूं, बस उसी तरीका से जब भी मीन डेविएशन निकालने का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए, जो मैं ट्रिक बता रहा हूं उसी तरीके से आपको सोल्व करना होगा। आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सबसे पहले मीन निकालना होगा, तो मीन आप लोग निकालिएगा तो क्या आएगा, मीन निकालने का मतलब एवरेज निकाल दीजिए, सभी को ऐड कर दीजिए, 3, 10, 10, 4, 7, 10, 5, इस सभी को ऐड कीजिएगा दोस्तों, तो आपका आएगा 49 आएगा, टोटल टर्म कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 49/7 49, यानी मीन आपका आ गया 7, ध्यान दीजिएगा आपका मीन 7 आ गया दोस्तों। अब हमको मीन डेविएशन निकालना है, तो मीन डेविएशन निकालने के लिए फॉर्मूला पे मत जाइए, बस डायरेक्ट आपको क्या करना है, मैं वो बता रहा हूं, आपको मीन जो आया उसमें से ये जो डाटा गिवन है दोस्तों उसको माइनस करके ऐड कर देना है। तो क्या करना होगा दोस्तों, 7 - 3 कीजिएगा तो क्या होगा, 7 - 3 कीजिएगा तो 4 आएगा, 7 - 10 कीजिएगा दोस्तों तो क्या आएगा, 3 आएगा, माइनस में आएगा तो उसको माइनस से जो है साइन पे नहीं जाइए, उसको प्लस में ही ऐड कीजिएगा, ठीक है, माइनस पे आएगा तो आपको प्लस में ही ऐड करना है। तो ये दोस्तों यहाँ पे 7 - 3 कीजिएगा तो क्या आएगा आपका, सॉरी 10 - 7 कीजिएगा तो 7 × 10 = 3 आएगा। नेक्स्ट आप लोग कीजिए, 10 - 7 कीजिएगा तो क्या आएगा, 3 आएगा, और क्या है दोस्तों, 7 - 4 कीजिएगा तो क्या आएगा आपका, 3 आएगा, फिर 7 - 7 कीजिएगा तो क्या आएगा, आएगा दोस्तों 0 आएगा, 7 - 10 कीजिएगा तो 3 आएगा, 7 - 5 कीजिएगा 5 × 2 = 7 आएगा, टोटल कितना आया हमको ये पहले बताइए, सभी को ऐड कीजिए, 4, 3, 3, 3, 3, 2 सभी को ऐड कीजिए, सभी को ऐड कीजिएगा दोस्तों, 3 × 9 3 × 12 = 4, 16 = 17, 18 कहने का मतलब 18 आया, ठीक है दोस्तों 18 आया, और टोटल जो है आपका मीन हम लोग कितना निकाले थे, 7 निकाले थे, 18 / 7
18.7 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। आई होप सभी लोग निकालने का प्रोसेस समझ गए होंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, जिनको अभी तक पता नहीं है मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब भी मीन डेविएशन निकालने के लिए आए, मानक विचलन निकालने के लिए आए दोस्तों, तो जो डाटा गिवन होगा उसको जो है हमको सबसे पहले मीन निकालना होगा। मीन निकालने के लिए आपको एवरेज निकालना होगा दोस्तों। एवरेज आपको निकाल दीजिए, सभी को ऐड कर दीजिएगा तो टोटल 49 है, 49 और टोटल टर्म कितना है 7, 49/7 यानी 7 आपका मीन आ गया। और ये जो डाटा गिवन है तो सभी को 7 में से माइनस कर दीजिए, और सभी को माइनस करके उसको जो है मीन से जो है डिवाइड कर दीजिए, आपका जो आएगा मीन डेविएशन आएगा, मानक विचलन आएगा, जो कि ऑप्शन डी में गिवन है। ऑप्शन डी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको रीजनिंग से क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, और ये सभी क्वेश्चन एनटीपीसी ग्रुप डी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। पॉइंटिंग टू ए मैन इन ए फोटोग्राफ, अनीता सेड हिज मदर ओनली डाउटर इज माई मदर, हाउ इज अनीता रिलेटेड टू द मैन। कहने का मतलब दोस्तों, फोटोग्राफ में एक व्यक्ति को अनीता ने कहा उसकी माँ की पुत्री मेरी माँ है, अनीता का उस व्यक्ति से कैसा रिलेशन है, ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है, बस ध्यान से आपको बनाना होगा। सभी लोग बनाइएगा, उसके बाद कमेंट कीजिए। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों उसी तरीका से हम लोग को जाना है। क्या बोल रहा है दोस्तों, फोटोग्राफ में एक व्यक्ति अनीता ने कहा, क्या है अनीता, अनीता को लिख लेते हैं अनीता। अनीता ने कहा किसको बोल रहा है दोस्तों, फोटोग्राफ में व्यक्ति है उसको, तो फोटोग्राफ के व्यक्ति को हम लोग मान लेते हैं, व्यक्ति को ये डिनोट कर लेते हैं, फोटोग्राफ वाला व्यक्ति को ये मान लेते हैं, ठीक है। फोटोग्राफ में एक व्यक्ति को मैं बनाने का प्रोसेस बता रहा हूं। वैसे तो दोस्तों बहुत से स्टूडेंट डायरेक्ट बिना फिगर बनाए ही निकाल लेंगे, बट मैं प्रोसेस बता दे रहा हूं कैसे आपको निकालना है। आपको दोस्तों क्या बोल रहा है, फोटोग्राफ में एक व्यक्ति को अनीता ने कहा, यह फोटोग्राफ वाला व्यक्ति है, अनीता बोल रहा है दोस्तों उसकी माँ की पुत्री, ये फोटोग्राफ वाली जो है इसका माँ कौन होगा दोस्तों, इसको माँ को मान लेते हैं, ये हो गया इसकी माँ के पुत्री, इसकी माँ के पुत्री, ये तो पुत्री होगा नहीं क्योंकि ये लड़का है दोस्तों, व्यक्ति यानी पुत्र है, इसकी माँ के पुत्री मान लेते हैं, ये पुत्री है, मेरी माँ है, किसकी माँ है, अनीता की माँ है, ठीक है, अनीता बोल रहा है तो इसकी क्या हो गया दोस्तों, ये माँ हो गया, अनीता की ये हो गया माँ हो गया, और ये जो है ये फोटोग्राफ वाला व्यक्ति का ये पुत्री है जो अनीता के माँ है, तो अनीता उस व्यक्ति से कैसा रिलेशन है, ये जो है दोस्तों ये व्यक्ति है इसका अनीता से क्या रिलेशन है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसको क्या रिलेशन आपको लग रहा है, ये दोस्तों क्या है, ये अनीता, अनीता के पुत्री हो, अनीता की जो ये हो गया, तो ये आपका अनीता का उस व्यक्ति से कैसा संबंध है, तो ये व्यक्ति जो हुआ दोस्तों अनीता का क्या हो गया, आपका अनीता, अनीता का जो ये व्यक्ति हो गया आपका भतीजी, नाइस, नीस होता है दोस्तों, भतीजी हो रहा है, यानी ऑप्शन डी बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ध्यान से देखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, फोटोग्राफ में एक व्यक्ति को अनीता ने कहा, अनीता कौन है, ये है उसकी माँ की पुत्री, उसकी माँ की पुत्री मेरी माँ है, यानी फोटोग्राफ वाली जो व्यक्ति है इसकी माँ की पुत्री ये है, इसका जो है अनीता के माँ है, तो इस ये दोनों का रिलेशन क्या हो गया, ये दोनों का जो है दोस्तों नीस यानी भतीजी का, ये जो फोटोग्राफ वाला व्यक्ति जो है इससे जो है अनीता क्या हो रहा है, अनीता है जो भतीजी लग रहा है, ठीक है, यानी नीस लग रहा है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मोहन करता हूं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया वाज इनएक्टेड इन द ईयर। कहने का मतलब दोस्तों, भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, सभी के द्वारा कमेंट आना चाहिए। जितने स्टूडेंट लाइव देख रहे हैं सभी के लोग कमेंट करें। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर होगा 1986। ध्यान दीजिएगा, भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 23 मई 1986 में पारित किया गया था दोस्तों, याद कर लीजिएगा, अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ईशान इज ट्वाइस एज गुड वर्कर एज कमल एंड टुगेदर दे फिनिश वर्क इन 29 डेज, इन हाउ मेनी डेज विल कमल वर्किंग अलोन फिनिश द वर्क। कहने का मतलब दोस्तों, ईशान एक अच्छे श्रमिक की तरह कमल से दुगना कार्य करता है तथा दोनों साथ साथ एक साथ कार्य को 29 दिनों में समाप्त कर देते हैं, तो केवल कमल इस प्रकार को कितने दिन में करेगा।
ठीक है दोस्तों, आपको पीटी में इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, बस बनाने की कोशिश कीजिए। आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर क्या है, ईशान इज ट्वाइस गुड वर्कर इज कमल, कहने का मतलब ईशान जो है दोस्तों कमल से ज्यादा अच्छा काम करता है, यानी वो टाइम कम लेगा, ज्यादा अच्छा काम कर रहा है यानी वो दोस्तों समय कम लेगा और काम ज्यादा करेगा, कहने का मतलब तो यही हुआ ना, यानी दुगना का ये आपको को डिफरेंस दिख रहा है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, वन अपॉन एक्स मान लेते हैं, एक्स का वर्क दूसरा क्या है दोस्तों, दुगुना हो रहा है, दूसरा को ही एक्स मान लेते हैं, टोटल वर्क कितना हो रहा है, टोटल वर्क है 29 डे में कंप्लीट कर रहा है दोनों मिल करके। तो आपको एक्स का वैल्यू यहां से निकाल दीजिए, एक्स का कितना होगा दोस्तों, आपको वही तो निकालना है, आपको हाउ मनी डे विल कमल वर्क एलोन, आपको एक्स का वैल्यू निकालना है, तो एक्स का वैल्यू आप लोग निकाल दीजिए, एक्स का वैल्यू आपको निकालना है तो क्या होगा, एक्स से यहां आ गया टू एक थ्री, थ्री अपॉन एक्स हो गया दोस्तों, अपॉन 1/29 आ गया, यानी x का वैल्यू आ गया 29 * 3 यानी 87, 87 दिन में दोस्तों ये जो है वर्किंग एलोन, कहने का मतलब कमल इस प्रकार दोस्तों 87 दिन में अकेले काम करेगा, कितना डेज में, 87 डेज में, ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मोहन करता हूं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सभी लोग ध्यान से देखिए, दीक्षा बोरो ए 500 एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट अमाउंट विल सी पे टू क्लियर हर डिबेट आफ्टर 4 ईयर, कहने का मतलब दोस्तों दीक्षा ने प्रतिवर्ष 5% साधारण ब्याज पर 500 रुपया उधार लिया, वह 4 साल बाद अपने स्वामित्व को कितने रुपए चुकाएगा, वो आपसे टोटल अमाउंट की बात हो रहा है दोस्तों, ठीक है, टोटल अमाउंट की बात हो रहा है। सभी के द्वारा इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए, टोटल अमाउंट की बात हो रहा था, क्या है पहले जो है 500 लिया था, मैं शॉर्टकट बना रहा हूं दोस्तों, फॉर्मूला पे मत जाइए, जैसे मैं बना रहा हूं उसी तरीका से बनाने की कोशिश कीजिए, पहले था 500 रुपया, अब क्या कर रहा है दोस्तों, 500 का 5% 4 ईयर का निकालना है, सभी जो है ये जो है 500 प्लस में क्या कर रहा है, 500 का मूलधन गुने क्या होता है समय, हाँ मूलधन दर कितना है दोस्तों, रेट है 5% गुने समय कितना, 4 ईयर अपॉन 100, आपको इसको निकाल देना, ये से कैंसिल हो गया, 25 25 100 यानी 500, 500 प्लस 100 हो गया इधर, यानी कहने का मतलब 5 1 600 600 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 23 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल एंड इजी है दोस्तों, बस आपको जो है एग्जामिनर क्वेश्चन का लैंग्वेज को बढ़ा दिया है, और रेलवे ये प्रोसेस अक्सर यूज करता है, क्वेश्चन सिंपल रहता है बस लैंग्वेज उसको अटपटा कर देता है, लेंदी कर देता है, बस स्टूडेंट समझ लेते हैं क्वेश्चन जो है हार्ड है इसलिए स्किप कर देते हैं, बस आपको स्किप नहीं करना है, इसको सोल्व करते हुए आगे बढ़ना है। क्या है दोस्तों, ए वाटर टैंक हैज टू होल, द फर्स्ट होल एलॉन एम्प्टी, द वॉटर टैंक है, वॉटर टैंक में दोस्तों दो होल है, फर्स्ट होल जो है एलॉन एम्प्टी द टैंक इन 9 मिनट, 9 मिनट में दोस्तों पहला होल जो है एम्प्टी करता है, खाली करता है, सेकंड होल अकेले जो है 6 मिनट में खाली करता है, इफ वॉटर लीक आउट ए कॉन्स्टेंट रेट हाउ मेनी मिनट डज इट टेक इफ बोथ द होल टूगेदर एम्प्टी इन द टैंक, कहने का मतलब दोस्तों यदि जल रिसाव नियत दर पर हो तो दोनों साथ साथ चलने पर कितने मिनट में टैंक को खाली कर देंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग ट्राई कीजिए, कुछ नहीं करना है दोस्तों, फर्स्ट जो है होल कितना 9 मिनट में कर रहा है, 9 मिनट में क्या कर रहा है, खाली कर दे रहा है, सेकंड होल 6 मिनट में कर रहा है, इसको दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 9 * 4 = 36 होगा, एलसीएम निकालने का प्रोसेस में बताया था 36 होगा, तो 9 * 4 = 36 क्या आ गया, 4 आ गया, 6 * 6 = 36 हो गया, ठीक है दोस्तों, 9 * 36 = 6 = 36 बिल्कुल। आपको क्या कह रहा है, हाउ मेनी मिनट डज इट टेक बोथ होल टुगेदर, दोनों होल को अगर चालू कर दिया जाए तो एम्प्टी करने में कितना समय लगेगा, 6 * 4 = 10, कहने का मतलब दोस्तों आपको क्या करना है, 9 * 36 सॉरी, यहां पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एलसीएम 36 नहीं आएगा, यहां पे 9 * 2 = 18 6 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, यानी 18 आएगा, ठीक है, 18 आएगा, 9 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, 9 * 2 = 18 यहां पे 2 आएगा, 36 * 18 = 3 आएगा,
कहने का मतलब दोनों जब पाइप ओपन है दोस्तों, चालू है, तो आपको कितना समय लगेगा, 3 2 5 यानी 18/5 आएगा, तो 5 3 15 16 17 18 यानी 3/3/5 आएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, इतना मिनट में जो है साथ साथ दोनों अगर चालू रहेंगे तो इतना मिनट में टैंक को पूरी तरीका से खाली कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार आपका आंसर, हाँ ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, 24 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, द महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स विच इज वन ऑफ फोर होली साइट रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ द लॉर्ड बुद्धा इज लोकेटेड इन। कहने का मतलब, महाबोधि मंदिर संकुल भगवान बुद्ध से संबंधित चार पवित्र स्थानों में से एक स्थित है, कहां स्थित है वो आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने दिख रहा होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिहार। ठीक है दोस्तों, महाबोधि मंदिर गया बिहार में स्थित है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 25 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। इन 2004 नासा लॉन्च द मैसेजर स्पेसक्राफ्ट टू स्टडी। दोस्तों, वर्ष 2004 में नासा द्वारा प्रक्षेपित मैसेजर अंतरिक्ष यान का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, वो आपसे पूछा जा रहा है, किसके जो है स्टडी करने के लिए किया गया था, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, करेक्ट आंसर होगा मरकरी को अध्ययन करने के लिए, मरकरी के बारे में जानने के लिए, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, नासा द्वारा 3 अगस्त 2004 को एक मैसेजनर मरकरी सरफेस स्पेस इन्वायरमेंट जियोकेमिस्ट्री एंड रेंजिंग नामक एक अंतरिक्ष यान दोस्तों भेजा था, किसके लिए भेजा था, मरकरी यानी बुध को जो है दोस्तों, ग्रह जो है उसको अध्ययन करने के लिए जो है नासा के द्वारा भेजा गया था। कब भेजा गया था, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, 3 अगस्त 2004 को भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 26 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, माउंट सेंट हेलेना इज एन एक्टिव स्ट्रेटो वोल्केनो लोकेटेड इन। माउंट सेंट हेलेना द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी स्थित कहाँ है दोस्तों, वो आपसे पूछा जा रहा है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। ये जो है यूएसए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। मैं जो भी क्वेश्चन दोस्तों आपको सेट में प्रोवाइड करा रहा हूँ, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसीलिए लास्ट तक जरूर देखिए और डेली हैबिट बनाइएगा देखने के लिए। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल, आपको फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है दोस्तों, तीन टर्म दिया हुआ है, चौथा पर जो है टर्म आपको निकालना है। फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने के लिए अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, क्या है, 2:3 एंड क्या है दोस्तों, 6:9 नहीं है तो उसको 1 से ले लेते हैं, तो आपको क्या करना होगा, डायरेक्ट मैं सोल्व कर देता हूं, 3 × 6/2 × x, जब भी आए फोर्थ प्रोपोर्शनल ऐसे निकाल दीजिएगा, 2 3 6 यानी 3 3 9 यानी x बराबर 9 आ गया, जो कि ऑप्शन ए में गिवन है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट टर्म इसको मान लीजिए, सेकंड टर्म ये, थर्ड टर्म ये, एंड फोर्थ टर्म आपको निकालना है, जो कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, विच शेड्यूल्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिस्ट द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेश का संविधान के किस अनुसूची में उल्लेखित है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जितने स्टूडेंट लाइव है सभी लोग कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट शेड्यूल्ड, प्रथम अनुसूची के तहत। दोस्तों, मैं ऑलरेडी आरआरबी एनटीपीसी का कुछ कुछ लेक्चर दोस्तों और अपलोड कर दिया हूं पहले ही, जब आरआरबी जेई सीबीटी 2 का क्लासेस चला रहा था दोस्तों, उससे पहले ही अपलोड कर दिया था। ठीक है, अब जो है टेस्ट सीरीज आपके लिए, लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, इसलिए एग्जाम तक टेस्ट जरूर दिया कीजिए। जल्द ही जल्द दोस्तों आप लोगों के लिए ध्यान दीजिएगा, एसएससी का जेई जो एग्जाम होने वाला है दोस्तों, फॉर्म फिल हो रहा है उसका नॉन टेक पार्ट, ध्यान दीजिएगा नॉन टेक आपको करवाया जाएगा। अगर दोस्तों ज़्यादा मेजोरिटी फीडबैक आएगा तो जो है उसका भी क्लासेस जल्द ही स्टार्ट करवा दिया जाएगा, जिस तरीका से आरआरबी जेई सीबीटी 2 का पार सफलता दोस्तों आप लोगों के द्वारा फीडबैक अच्छा मिला है, तो स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं एसएससी जेई का नॉन टेक भी करवाने के लिए, तो कोशिश मैं कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द उसका भी जो है आपको शेड्यूल
जल्दी प्रोवाइड करा दो। 39 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। एमोबाइल प्लान कोस्ट 3246 मिनट, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट कोस्ट इन रुपीज फॉर 4 मिनट। कहने का मतलब एक मोबाइल की कीमत 6 मिनट के लिए 32 रुपया है, तो 4 मिनट के लिए लगभग कितने रुपये होंगे। सभी लोग कमेंट कीजिएगा। लॉजिकल क्वेश्चन है और लॉजिकल क्वेश्चन एग्जाम में जो है रेलवे अक्सर पूछता है। क्या है दोस्तों, 32 मिनट के लिए 32 रुपया में 6 मिनट आपको मिल रहा है, तो 1 मिनट में कितना हो गया दोस्तों, 1 मिनट में 32/6 हो गया, तो आपको निकालना है 4 मिनट में, तो गुने 4 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या आएगा, इसको सोल्व कीजिएगा, इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या आएगा दोस्तों, 2 × 4 3 × 6 32 × 64 64/3 आएगा, यानी 61/63, यानी कहने का मतलब दोस्तों 21.30 आएगा, जो कि ऑप्शन ए में गिवन है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्तों, 40 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है द गंधार आर्ट इज स्टाइल ऑफ बुद्धिस्ट विजुअल आर्ट एंड डेवलप्ड बिटवीन 1st century BCE एंड द 7th century CE, फ्लोरिस्ट लार्जली ड्यूरिंग द डेंसिटी। कहने का मतलब दोस्तों, गंधार कला एक बौद्ध दृश्य कला शैली जिसका विकास प्रथम शताब्दी से ईसा पूर्व तथा 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापक तौर पर किसके साम्राज्य में समृद्ध था, उस साम्राज्य उस एम्पायर उस डेंसिटी की बात हो रहा है दोस्तों, ठीक है। सभी लोग कमेंट कीजिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये था दोस्तों कुषाण वंश का काल चल रहा था, कुषाण का, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। मौर्योत्तर काल में आने वाले विदेशियों में सबसे अंतिम कुषाण थे दोस्तों, उन्हीं का काल चल रहा था, उन्हीं का जो है पीरियड उस टाइम चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्तों, 41 नंबर क्वेश्चन। अक्सर ये क्वेश्चन देखने के बाद सभी लोग कमेंट कीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है अक्सर ये क्वेश्चन दोस्तों, हालांकि ये इजी है लेकिन रेलवे इस टाइप का क्वेश्चन टारगेट करता है, इसलिए मैं इंक्लूड कर दिया हूं। सभी लोग कमेंट कीजिएगा, कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये दोस्तों, 10 से 12 सेकंड में आपको सोल्व करके आंसर लगा देना है, कुछ नहीं करना है दोस्तों। क्या है, 9 × 18 = 72, ये जो है 139 को 8 मतलब ये कैंसिल हो रहा है दोस्तों, यानी 8 1112 / 139 - 5 इसको कीजिएगा, तो ये जो है 9 × 72 8 मतलब ये कैंसिल हो रहा है, यानी 8 - 5 क्या होता है, 3 होता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 42 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों आपको स्टेटमेंट एंड आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, स्टेटमेंट सफिशियंट है कि नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन एनटीपीसी ऐप के एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन को यहाँ पे जूम इन कर दिया हूँ ताकि आपको क्लियर विजुअल हो। क्वेश्चन है दोस्तों आपको एक क्वेश्चन एंड टू स्टेटमेंट लेवल, 2 स्टेटमेंट दिया है दोस्तों, आपको डिसाइड करना है कौन सा जो है सफिशियंट है आंसर देने के लिए, ठीक है। सभी लोग कमेंट कीजिएगा, मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। गौतम रैंक 18th इन ए क्लास, व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम द लास्ट, लास्ट से उसका रैंक क्या होगा, ठीक है। प्रथम स्टेटमेंट ये है एंड सेकंड स्टेटमेंट ये है दोस्तों, दोनों स्टेटमेंट को आपको देखना है कौन सा स्टेटमेंट जो है ये क्वेश्चन को आंसर देने के लिए सफिशियंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, देयर आर 47 रैंक 10th इन द क्लास, कक्षा में 47 विद्यार्थी हैं, देयर आर 47 रैंक 10th इन ए क्लास, कहने का मतलब दोस्तों 47 स्टूडेंट में 10वां जो है रैंक उस व्यक्ति का है, ठीक है, गौतम का। एंड नेक्स्ट बोल रहा है क्या है दोस्तों, हाँ जेगन हु हैव 10th रैंक इन द सेम क्लास, रैंक 38 फ्रॉम द लास्ट, कहने का मतलब दोस्तों जेगन जो एक ही कक्षा में है 10वें स्थान पर है, वह अंत से 38वें पर है। आपको दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से देखना है और आपको बताना है कि आपको जो है कौन सा स्टेटमेंट इसको फॉलो कर रहा है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, गौतम एक कक्षा में 18वें स्थान पर है, अंत से उसका रैंक क्या है दोस्तों। गौतम जो है, मैं यहां पर रिपीट कर रहा हूं, 18th नंबर पे है क्लास में, तो आपको पूछा जा रहा है लास्ट से रैंक क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है देयर आर 47, 47 स्टूडेंट है दोस्तों,
एंड रैंक 10th इन क्लास, यहाँ पे 10th रैंक पे जो है आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। जैसे जैसे आपको स्टेटमेंट में बोल रहा है वही चीज कीजिए। कक्षा वन में टोटल क्या है 47, 47 विद्यार्थी है दोस्तों, यहाँ पे बोल रहा है 47 विद्यार्थी है। उसी कक्षा में गौतम का 18वां स्थान है, ठीक है, गौतम का यहाँ पे बोल रहा है 18वां स्थान है। एंड व्हाट इज द रैंक फ्रॉम लास्ट, लास्ट से उसका रैंक निकालना है। तो गौतम का 18वां स्थान है किसमें से, 47 में से, ठीक है दोस्तों। तो उसी कक्षा में गौतम का 18वां स्थान है, तो अंतिम से गौतम का स्थान क्या होगा, 47 माइनस जो है दोस्तों 18 कर दीजिए तो क्या होगा, 47 माइनस 18 कर दीजिए, 47 माइनस 18 नहीं होगा, तो आपको एक फॉर्मूला होता है टोटल बराबर क्या होता है दोस्तों, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, राइट से निकालना, तो टोटल 47 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 47 माइनस लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 होता है। तो लेफ्ट में यहाँ पे क्या है दोस्तों, अंतिम पहला से जो 18 है, गौतम रैंक 18 इन ए क्लास 18 है, तो 18 माइनस 1 कर दीजिए, 18 माइनस 1 यानी 17, तो आपको जो है राइट से निकल जाएगा, हाँ लास्ट से आपका उसका रंग जो है पता चल जाएगा। तो 47 माइनस 18 नहीं, 18 माइनस 17 कर दीजिए, तो 47 माइनस 17 यानी 7 माइनस 7 जीरो, 4 माइनस 30, यानी 30 इस क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेटमेंट करेंट करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों, ठीक है। एंड यानी जो है फर्स्ट स्टेटमेंट से जो है आपका उसका जो है गौतम का रैंक निकल रहा है, ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, जगन हु हैव 10th इन द क्लास सेम एंड रैंक एट 38 फ्रॉम द लास्ट। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे जगन जो एक ही कक्षा में 10वें स्थान पर है वह अंतिम से 38वें, लास्ट उससे जो है 38वें पर है, तब उस कक्षा में 18वें स्थान पर हो तो अंत में उसका रैंक क्या होगा दोस्तों, कुछ नहीं करना है, 38 है, 38 प्लस 1 प्लस क्या है दोस्तों, जगन हु हैव रैंक 10th फ्रॉम द सेम, दोनों को ऐड कर दीजिए, 38 प्लस 10 यानी 38 10 कितना होता है दोस्तों, 38 10 48 हो जाएगा। 48 माइनस आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या है, गौतम रैंक 18th इन द क्लास, 18th 18 है, तो आपको इसको जो है माइनस कर दीजिए, 48 माइनस 18 यानी कहने का मतलब 30, दोनों स्टेटमेंट से निकल रहा है दोस्तों, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, आइदर 1 एंड 2 दो बोथ आर जो है दोस्तों, दोनों जो है आइदर वाला लगाइएगा ताकि जो है दोनों अकेला अकेला जो है उससे जो है निकल रहा है, यानी आइदर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, 3 मैन डिग ए होल इन 10 डेज, हाउ मनी डेज वुड इट टेक फॉर 5 मैन टू डिग द सेम होल। कहने का मतलब 3 व्यक्ति एक छिद्र को 10 दिन में खोदते हैं, 5 व्यक्ति समान छिद्र को खोदने के लिए कितना समय लगेगा। MDH का फॉर्मूला लगा दीजिए दोस्तों, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, M1D1 बराबर M2D2, आपको क्या है दोस्तों, 3 मैन 10 दिन में कर दे रहा है, 3 मैन कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। एंड आपको क्या बोल रहा है, हाउ मनी डे को x ले लीजिए, टू टेक ए मैन टेक फॉर 5 मैन डिग द सेम होल, गुने एक्स गुने 5 आ जाएगा, तो 5 दूनी के 10, 3 दूनी के 6, यानी एक्स बराबर 6 डेज आ गया, जो कि ऑप्शन डी में गिवन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ध्यान से देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ मोनोसेक्राइड शुगर। कहने का मतलब दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक मोनोसेक्राइड शर्करा है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, ग्लूकोज इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 48 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन को और कमेंट कीजिए। क्वेश्चन है, UNITAR स्टैंड फॉर, UNITAR का मतलब क्या होता है दोस्तों, याद कर लीजिएगा, फुल फॉर्म पूछा जाता है, यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम डज ए जियोस्टेशनरी सैटेलाइट टेक ए कंप्लीट ऑन ऑर्बिट वन ऑर्बिट एट द हाइट ऑफ 35,790 किलोमीटर। एक भू स्थिर उपग्रह 35,790 किलोमीटर ऊंचाई पर एक कक्षा के पूर्ण परिक्रमण पर कितना समय लेता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 24 आवर, ठीक है दोस्तों, 24 घंटे समय लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए,
51 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द नेक्स्ट सेट ऑफ अल्फाबेट इन द सीरीज, श्रेणी में व्यंजनों को अगला समुच्चय क्या होगा। ए के बाद बी हो रहा है, बी के बाद सी हो रहा है, सी के बाद क्या होगा, डी होगा। जेड के बाद वाई हो रहा है दोस्तों, यानी 1 माइनस हो रहा है एक्स वाई जेड, तो क्या होगा, डब्ल्यू एक्स वाई जेड होगा, यानी डब्ल्यू होगा, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यानी डी डब्ल्यू। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 52 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इतना, इसको सोल्व करके आपको सभी लोग 10 सेकंड आपको समय दिया जा रहा है, सभी लोग सोल्व कीजिएगा। फटाफट सोल्व कीजिए दोस्तों, सभी के द्वारा कमेंट आना चाहिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और रेलवे अक्सर एनटीपीसी एग्जाम में एक दो से क्वेश्चन ऐसा जरूर डालेगा। क्या होगा दोस्तों, ये जो है ए पॉइंट से ए पॉइंट को कैंसिल कर दीजिए, 9 9 81 हो गया, 9 5 45.5 ये कैंसिल हो गया, 55 × 0.5 कीजिएगा तो क्या होगा, 55 × 0.5 आपको क्या आ गया, 55 × 0.5/9 आ गया, 55 × 0.5 कीजिएगा तो क्या होगा दोस्तों, 55 25 55 25 27, यानी 27.5/9 आ गया, तो 9 3 27.055 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन बी में गिवन है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, 55/18 होगा दोस्तों, तो 55/18 क्या होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, 55 आएगा, और इसको जो है 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 55 आएगा। ठीक है, आप ऐसे भी बना सकते हैं, या फिर इसको ये जो है इसको डिवाइड कीजिएगा तो इतना ही आएगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। इसमें भी अगर दोस्तों ऊपर नीचे 2 से जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका इतना ही आएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 53 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है, सभी टाइप के क्वेश्चन आपको मिक्स प्रोवाइड कराता हूं, इसलिए डेली हैबिट बनाइए, कुछ नहीं करना है। 2x² यानी क्या होगा दोस्तों, 4x² हो जाएगा, माइनस 4y² हो जाएगा, और यहां पे क्या होगा, चर्चों का 16x² हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका आएगा, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, 16 − 4x² कर देना है, तो −12x² हो जाएगा, −4y² हो जाएगा, 4y² हो गया, माइनस को बाहर कर लीजिए तो क्या हो गया, 12x² + 4y² आएगा, जो कि ऑप्शन सी में गिवन है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन है, गिवन द बिलो स्टेटमेंट कंक्लूजन डिसाइड द विच वन द कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो, आपको दो स्टेटमेंट गिवन है दोस्तों, आपको ये बताना है कौन स्टेटमेंट फॉलो कर रहा है, और मैं इसको जूम इन कर दूं ताकि आपको क्लियर विजुअल हो। चलिए क्वेश्चन अब आप लोगों को क्लियर विजुअल हो रहा होगा, सभी लोग बनाइए, क्या बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है दोस्तों, स्टेटमेंट कंक्लूजन से क्वेश्चन आपको जरूर दिखने को मिलेगा, क्वेश्चन है, फॉर्चून फेवर द ब्रेव, भाग्य वीरों को सहारा देता है, भाग्य जो है दोस्तों वीरों को सहारा देता है। ठीक है, कंक्लूजन क्या बोल रहा है, रिस्क आर नेसेसरी फॉर सक्सेस, सफलता के लिए जोखिम आवश्यक है, बिल्कुल सफलता के लिए जोखिम आवश्यक है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट जो बोल रहा है उसी के अनुसार सोचना है, भाग्य वीरों को सहारा देता है, बिल्कुल सही है दोस्तों, सफलता के लिए जोखिम आवश्यक है, बिल्कुल सही है, सफलता के लिए जोखिम आवश्यक है, पहला स्टेटमेंट सही हो रहा है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कायर की उनकी मृत्यु से पहले कई बार मृत्यु होती है, ये तो दोस्तों स्टेटमेंट का कुछ मतलब ही नहीं रहा, स्टेटमेंट से बाहर ही बोल रहा, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है लेकिन स्टेटमेंट जो है कंक्लूजन बिल्कुल सही है दोस्तों, लेकिन स्टेटमेंट से रिलेट नहीं कर रहा, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट नहीं होगा, ये जो है दोस्तों कंक्लूजन बी जो है करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों स्टेटमेंट कुछ और बोल रहा है और कंक्लूजन कुछ और बोल रहा है, ये दोनों मैच नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन कंक्लूजन सिर्फ 1 से ही है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 56 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा, सभी लोग कमेंट कीजिएगा 56 का आंसर क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन है, इन विच इंडियन स्टेट इज द नंदा देवी पिक लोकेटेड, भारत के किस राज्य में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। 56 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। नंदा देवी दोस्तों कहां, उत्तराखंड में है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और इसी को वैली ऑफ फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है, वैली ऑफ फ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, फाइंड द सिमिलरिटी अमंग द फॉलोइंग, निम्नलिखित के बीच समानता क्या है। आपको क्या क्या गिवन है, मकर संक्रांति, पोंगल, लोहरी एंड बैसाखी, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। 56 नंबर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्तों। ऑल आर नेम ऑफ हार्वेस्ट फेस्टिवल, सभी पर्वों के नाम फसल के कटाई के अनुसार दोस्तों ये जो है नाम रखा गया है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। पोंगल से अक्सर पूछा जाता है, तमिलनाडु राज्य में मनाने वाला दोस्तों बहुत ही फेमस त्योहार है। बैसाखी जो है हरियाणा और पंजाब राज्य में बहुत अच्छे तरीके से धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी एंड हल्का सवाल, इस क्वेश्चन के लिए आपको ओनली 5 सेकंड, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एनटीपीसी एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन इजी क्वेश्चन दिखने को मिलेगा, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। कुछ नहीं करना है दोस्तों, भाटी जी 15% ऑफ 34, 34 का 15% निकालना है, 34 का 15% निकालना है, क्या हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। 5 का 20 यानी 5 15 यानी एक कॉमन 510/100 हो जाएगा, ये से कैंसिल हो जाएगा यानी 5.1 आ जाएगा। ठीक है, 5.1 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 59 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ए लिक्विड ड्रॉप कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ द ऑफ इट्स पार्टिकल एंड ऑक्यूपाई द स्मॉलेस्ट पॉसिबल एरिया, द फेनोमेना इज नोन एज, एक द्रव्य की बूंद संयोजित होती है क्योंकि इसके कणों का आकर्षण और संभव क्षेत्रफल न्यूनतम करता है, इस परिघटना को कहा जाता है। उस परिघटना को क्या बोला जाता है दोस्तों, उसको सरफेस टेंशन बोला जाता है, पृष्ठ तनाव बोला जाता है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये 64 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ द जावा जीवा, कहने का मतलब दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। यहूदी धर्म से क्या संबंधित है दोस्तों, वो संबंधित है तोरा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। यहूदी की धर्म भाषा इब्रानी और यहूदियों का धर्म ग्राथा का नाम दोस्तों तनक है, जो इब्रानी भाषा में लिखा गया है और इसे तालमुद या तोरा भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं तालमुद भी आपको दिख सकता है, तालमुद या तोरा भी बोला जाता है। और त्रिपिटक क्या है, बहुत बार पूछा जाता है, ये दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 3026, कहने का मतलब इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 3026 एंड देयर एलसीएम इज 89 एंड देयर एचसीएम, बहुत अच्छा एंड सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम गुने एचसीएफ। मान लेते हैं फर्स्ट टर्म एक्स वन है, सेकंड टर्म एक्स टू है, इज इक्वल टू क्या होगा, एलसीएम गुने एचसीएफ। ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा, इस फॉर्मूला से एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन निश्चित दिखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इस फॉर्मूला को आपको याद होना चाहिए। और वैसे तो ये क्वेश्चन जो है एलसीएम एचसीएफ का जब मैं चैप्टर करवा रहा था उसमें अच्छे तरीका से करवा दिया हूँ, देखे होंगे तो पता होगा। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एक क्या गिवन है, दो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर गिवन है, x1 गुने x2 गिवन है, क्या गिवन है 3026 गिवन है, और क्या गिवन है एलसीएम 89 गिवन है, 89 गिवन है, तो आपको निकालना क्या है, एचसीएफ निकालना है गुने एचसीएफ। तो आपको एचसीएफ बराबर क्या आ जाएगा, एचसीएफ बराबर आ जाएगा 3026/89 आ जाएगा। इसको जो है डिवाइड कीजिए, आपका क्या आ रहा है, सभी लोग डिवाइड कीजिएगा, 70 नंबर क्वेश्चन है, इसको 34 मरतबे डिवाइड होगा दोस्तों, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा।
चूज द ऑड वन ऑफ फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्नांकित में से एक विषम को चुनना है दोस्तों। सभी लोग कमेंट कीजिए। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ईगल, गरुड़। क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि हाथी, तेंदुआ, चमगादड़ ये सभी जो है स्तनधारी प्राणी है, अर्थात कहने का मतलब दोस्तों ये सभी बच्चे जन्म देते हैं, लेकिन गरुड़ जो है, ईगल है, ये अंडे देता है, इसीलिए जो है ये सभी से भिन्न है, ऑड है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। मिस्टर राजेश बाई ए ट्वाई फॉर 27.50 एंड सेल इट फॉर 28.6, फाइंड द गेन परसेंटेज। मिस्टर राजेश को 27.5 के एक खिलौना खरीदता है और इसे 28.6 में बेचता है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? सभी लोग कमेंट कीजिएगा। ओनली 5 सेकंड में इसको बनाना है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा, कुछ नहीं करना है दोस्तों। यहाँ पे परसेंट लाभ कितना हो रहा है वो आपको बताइए। आपको 28.6 माइनस 27.5 कर दीजिए, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कर दीजिए, कितना होगा दोस्तों? इसका लाभ होगा 6 माइनस 1 28, यानी 1.10 इतना लाभ हो रहा है। तो लाभ परसेंट कर दीजिए तो क्या फॉर्मूला होता है? लाभ गुने 100 अपॉन क्रैमूल होता है। क्रैमूल कितना है? राजेश बाई कितना में किया? 27.5 में किया है, 27.50। इसको सोल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर आपके सामने आएगा। इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या आएगा? 110.27.5 आएगा, यानी कहने का मतलब 4%। इसको सोल्व कर लीजिएगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट विल बी द नेक्स्ट सेट ऑफ द नंबर इन द सीरीज। श्रेणी में संख्याओं का अगला समुच्चय क्या होगा? रीजनिंग का क्वेश्चन है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। 73 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। क्या सीरीज बढ़ रहा है? 2, 3, 2, 3, 5, 7, 11, 13। कहने का मतलब दोस्तों 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, क्या बढ़ रहा है? सभी लोग कमेंट कीजिएगा। ये दोस्तों अभाज्य संख्या का सीरीज जा रहा है, ठीक है। 2 के बाद 3 और 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 5 2 7, 7 8 9 10, 7 3 11, 11 12 13, 13 14 15 16 17। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे 5, ये 3 यहाँ पे आ गया, ये 5 यहाँ पे आ गया, ये 7 यहाँ पे आ गया, ये 11 यहाँ पे आ गया, एक ऐड हो रहा है, ये 13 नेक्स्ट टर्म में आएगा दोस्तों, 13 आएगा, फर्स्ट टर्म 13 आ जाएगा, ठीक है। और क्या हो रहा है? 5 2 7, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, 7 8 9 10 11, 4 का डिफरेंस है, 11 12 13, 3 का डिफरेंस है, यानी कहने का मतलब अगला टर्म क्या होगा दोस्तों? 13 14 15 16 17, 4 का डिफरेंस होगा यानी 17 होगा, 13 और 17, 13 17, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, अभिनव भारत सोसाइटी ऑफ द रिवॉल्यूशनरी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सभी लोग कमेंट कीजिएगा। अभिनव भारत, विनायक सावरकर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अभिनव भारत समाज की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने कब किया था? एग्जाम में पूछ सकता है, 1904 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, रीअरेंजिंग द लेटर ए के बी एल यू बी गेट द कैपिटल ऑफ। दोस्तों आपको बताना है ये जो है इसको रीअरेंज करके कि किसका, कौन से देश का ये कैपिटल है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। कैपिटल से भी क्वेश्चन एक दो दिखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है दोस्तों? काबुल है। इसको अरेंज कीजिएगा तो आपका काबुल आएगा, KABUL, ठीक है, अफगानिस्तान का ये कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। द अजंता केव पेंटिंग आर ए टेस्टिमनी टू द गोल्डन एज ऑफ इन इंडिया। 78 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सभी लोग बताइएगा। अजंता की गुफा कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार ये क्वेश्चन करवाया गया है। और ये किसका है? बुद्धिस्ट, बौद्ध धर्म का। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अजंता केव पेंटिंग आर टेस्टिमनी टू द गोल्डन एज ऑफ बुद्धिस्म इन इंडिया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे 79 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डज GUI स्टैंड फॉर विथ रिस्पेक्ट टू ए कंप्यूटर, एक कंप्यूटर के संबंध में GUI का मतलब क्या होता है। बहुत बार क्वेश्चन करवाया गया जब JEE का क्लास ले रहा था दोस्तों, मास्टर वीडियो में सब जिक्र कर दिया गया हूँ, ठीक है। मास्टर वीडियो कंप्यूटर का जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एक दो क्वेश्चन आपको कंप्यूटर से भी दिखने को मिलेगा। GUI का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, नोट डाउन कर लीजिएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आपको RRB का JEE CVT 2 में 3 से 4 क्वेश्चन दोस्तों आपको फुल फॉर्म ही पूछ दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ऑल रेशनल नंबर आर नंबर, कहने का मतलब सभी परिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होती है, सभी को पता होना चाहिए, रियल नंबर होती है, वास्तविक संख्या होती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, ऑल रेशनल नंबर आर रियल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इफ ए पंचायत इज डिजोल्व्ड इलेक्शन आर टू बी हेल्ड विद इन, अगर पंचायत स्थगित है तो चुनाव होगा कितना दिन में होगा, वो आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, वो 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्क्लोजर, कहने का मतलब स्थगित समय के 6 मंथ के अंदर, 6 मंथ के अंदर में ही चुनाव कराना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर सभी को पता होगा, बहुत बार इस चैनल पर करवाया गया है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जे थॉमसन, किनके द्वारा किया गया था, जे थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, देयर आर टोटल 200 स्टूडेंट इन ए स्कूल ऑफ विच 1/5 आर बॉय, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल इन अ स्कूल, सभी लोग कमेंट कीजिएगा, ओनली 5 से 7 सेकंड में सभी को इसको सोल्व करना है। एक स्कूल में 200 विद्यार्थी हैं जिनमें 1/5 लड़के हैं, स्कूल में लड़कियों की संख्या क्या है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। 87 नंबर क्वेश्चन, क्या करना है दोस्तों, टोटल संख्या 200 है, 1/5 क्या है, 1/5 200 स्टूडेंट इन ए स्कूल ऑफ 1/5 आर वाई, 1/5 क्या है दोस्तों, वाई है, तो कहने का मतलब गर्ल की संख्या क्या हो गया, बच्चों का 20 यानी 40 जो है गर्ल है, जो कि ऑप्शन के अनुसार क्या होगा दोस्तों, 40 गर्ल है। फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल, कहने का मतलब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, 200 विद्यार्थी जिसमें 1/5 लड़के हैं, यानी 200 का 1/5 किए, यानी 40 जो है लड़के हैं, सॉरी ध्यान दीजिएगा, 40 जो है बॉय है, तो आपसे पूछा जा रहा है लड़कियों की संख्या, तो 200 माइनस 40 कर दीजिएगा, यानी 160 जो होगा वो लड़की की संख्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। उस स्कूल में लड़कियों की संख्या कितनी है, 160। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 90 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, और इस क्वेश्चन को VVI लगा लीजिएगा, रेलवे में बहुत बार पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मस्कट ऑफ इंडियन रेलवे, निम्नलिखित में से कौन भारत का शुभंकर रेलवे है, मस्कट इंडियन रेलवे का क्या है दोस्तों, वो आपसे पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा भोलू एलिफेंट, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा डी, भोलू द एलिफेंट इंडियन रेलवे का मस्कट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, 2 नंबर आर द रेशियो 3:5 एंड देयर HCF इज 20, देयर LCM क्या होगा, मैं जो फॉर्मूला बताया था उस फॉर्मूला पे बैठाइए, आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या मैं बताया था दोस्तों, फर्स्ट टर्म को एक्सप्लेन ले लीजिए, फर्स्ट टर्म गुने सेकंड टर्म बराबर LCM गुने HCF बताया था, आपको क्या निकालना है, LCM, HCF गिवन है और LCM आपको निकालना है, ठीक है दोस्तों, पहले फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म आपको निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए क्या होगा, फर्स्ट टर्म यहाँ पे HCF गिवन है 20, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया 20, फर्स्ट टर्म का रेशियो क्या है 3 एंड सेकंड टर्म का 5, 20 इंटू 3 कर दीजिएगा 20 60 हो गया। सेकंड टर्म क्या होगा 20 25 100, सेकंड टर्म का रेशियो 5 है यानी 20 25 100 हो गया। LCM आपको निकालना है, HCF कितना गिवन है दोस्तों 20 गिवन है, LCM आपको निकालना है, HCF 20 गिवन है, 20 60 तीन मरतबे कैंसिल हो गया, यानी LCM आपका 300 आ गया, LCM कितना आ गया 300, जो कि ऑप्शन बी में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, इफ ए सर्टेन लैंग्वेज ए इज कोडेड एज 1, बी इज कोडेड एज 2, सी इज कोडेड एज 3, सो ऑन। आपको बी आई डी 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 आई सी कोडेड इन दैट लैंग्वेज, आपको बताना है इसका मतलब कोडिंग क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ओनली 5 सेकंड, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। क्या होगा दोस्तों, बी का है कोडिंग क्या होता है, 2 होता है। आई का क्या होता है, आई का हाँ एबीसीडी 9 होता है, आई का 9 होता है। डी का क्या होता है दोस्तों, 4 होता है, अगेन डी 4। आई का क्या होता है, 9 होता है, एंड सी का एबीसी 3 होता है। आपका करेक्ट आंसर कौन होगा, 29 4 होगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इस टाइप के आपको दिखने को एग्जाम में जरूर मिलेगा क्वेश्चन, और सभी क्वेश्चन अक्सर एग्जामों में पूछे गए हैं। अरेंज द इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड चूज द वन ऑफ द कम फर्स्ट। दिए गए अंग्रेजी शब्दों को वर्णक्रम में व्यवस्थित करें और जो पहले आता है उसे चयन करें। सब लोग कमेंट कीजिएगा, ओनली 5 सेकंड। पहले क्या आएगा दोस्तों, ए सी सी ओ, ओ के बाद यू आता है ना, ओ पी क्यू, हाँ ओ के बाद यू आता है, यानी पहले क्या आएगा, ए आपको कौन सा निकालना है, चूज वन, हाँ अरेंज द इंग्लिश वर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर चूज द वन दैट कम फर्स्ट, जो फर्स्ट आएगा वो आपको चूज करना है। तो फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, ओ ओ ओ के बाद यू आएगा, ओ के बाद, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन सी यानी अकाउंट जो है वो पहले आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 95 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंट्री टू बिकम कार्बन नेगेटिव, निम्नलिखित में से कौन प्रथम कार्बन नेगेटिव उत्सर्जक देश है। दोस्तों आपको एनवायरमेंट के क्लासेज में मैं ये जिक्र किया हूं, सभी लोग बताइएगा, ये उस कंट्री का नाम है भूटान, कौन सी कंट्री, भूटान इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 98 नंबर क्वेश्चन, व्हाट विल बी द नेक्स्ट सेट ऑफ अल्फाबेट इन द सीरीज, आपको इस श्रेणी का नेक्स्ट बताना है कौन से होगा। 98 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कुछ नहीं करना है दोस्तों, पी में 1 ऐड कीजिएगा तो क्यू आ गया, क्यू में 1 पी क्यू आर एस, उसके बाद क्या आएगा, टी आएगा, बी सी डी ई, उसके बाद बी सी डी ई एफ एफ आएगा, ठीक है, ए बी सी डी, उसके बाद क्या आ गया, ई आएगा, टी एफ ई कौन सा है, टी एफ ई, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर मार्क रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल, निम्नलिखित में से वायुमंडल के किस परत में रेडियो का संचार संभव होता है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। ये सभी जो है एनवायरमेंट के क्लासेज में करवा दिया था, जब जेई का क्लासेज आपको प्रोवाइड करा रहा था। करेक्ट आंसर होगा आयनोस्फीयर, आयन मंडल, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, डिवाइड द 210 गिवन है दोस्तों, आपको इस रेशियो में जो है आपको डिवाइड करना है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा इस क्वेश्चन के लिए, ओनली 5 सेकंड। 103 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आपको क्या करना है दोस्तों, 5 और 9 3 12 13 14, 5 और 9 3 12, टोटल कितना आ रहा है, 5 और 9 3 12 13 14, यानी 14। आपको क्या करना है दोस्तों, 210 में 14 से डिवाइड कर दीजिए, 14 से क्या आएगा, 25 का 20, यानी 15 मरतबे कट रहा है, तो आपको 15 को सबसे जितना रेशियो सम को मल्टीप्लाई कर दीजिए वही आपका रेशियो आ जाएगा, 15 दूनी 30, पहला 30 आएगा, 15 3 45, सेकंड 45, 15 चौके 60, 15 5 75, जो कौन से ऑप्शन में है, 30 45 60 75, 30 45 60 75, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, 103 नंबर का बी होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 104 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, आपको दोस्तों इसको जो है स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन है, पूरा आपको यहां पे दिखा दूं ताकि विजुअल क्लियर हो, आई थिंक सभी को क्लियर विजुअल हो रहा होगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपको स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है स्टेटमेंट में, गुड वॉइस इज ए नेचुरल गिफ्ट बट वन हैज टू कीप प्रैक्टिसिंग टू इम्प्रूव एंड एक्सेल इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक, मधुर आवाज प्रकृति का एक उपहार है परंतु किसी को संगीत के क्षेत्र में सुधार और उत्कृष्टता लाने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। बिल्कुल 100% करेक्ट स्टेटमेंट बोल रहा है दोस्तों, कंक्लूजन में क्या बोल रहा है वो हम लोग को देखना है, कंक्लूजन में बोल रहा है
नेचुरल गिफ्ट नीड नर्चरिंग एंड केयर, प्राकृतिक उपहार का को पोषण और देखभाल की आवश्यकता होती है। बिल्कुल 100% ये भी जो कंक्लूजन सही बोल रहा है दोस्तों, प्राकृतिक उपहार की बात हो रहा है, नेचुरल गिफ्ट की बात हो रहा है, ऑप्शन ए स्टेटमेंट के अनुसार करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, बाय कंटिन्यूअस प्रैक्टिसिंग वन कैन गेट ए नेचुरल गिफ्ट, सतत अभ्यास के दौरान एक व्यक्ति प्राकृतिक उपहार को प्राप्त कर सकता है। ये दोस्तों नेचुरल तो कभी आ नहीं सकता है, ठीक है, ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कंक्लूजन सिर्फ ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ओनली कंक्लूजन वन करेक्ट आंसर होगा। मधुर आवाज प्रकृति का उपहार है, किंतु दोस्तों किसी को संगीत के क्षेत्र में सुधार और उत्कृष्टता लाने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। हम लोग इसके अनुसार बोल सकते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है बिल्कुल फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मोहन करता हूं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, आई थिंक अब क्लियर विजुअल हो रहा होगा। व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज, श्रेणी में अगली संख्या क्या होगी। रीजनिंग का क्वेश्चन है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। दो के बाद क्या हो रहा है दोस्तों, दो दुनी के चार, दो गुने दो कीजिएगा तो आपका आ रहा है चार, चार गुने तीन कीजिएगा तो आपका आ रहा है बारह, बारह बढ़चो 48, यानी 12 गुने 4 कर रहे हैं तो 48 आ रहा है, 48 गुने हम लोग 5 करेंगे तो क्या 8 5 40 240 आ रहा है, ठीक है, इस सीरीज मिल रहा है दोस्तों, यानी आपको 240 गुने 6 करना पड़ेगा तो 6 का 24 के 4 6 दुनी 12 13 14, यानी 1440 ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 105 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। शॉपकीपर चिट टू द एक्सटेंट ऑफ 10% वाइल बाइंग एंड सेलिंग फ्रूट बाय यूजिंग टेम्पर्ड वेट, हिज टोटल गेन इज परसेंटेज क्या होगा। एक दुकानदार 10% गलत मात्रा का प्रयोग करता है जबकि फल को खरीदते और बेचते समय गलत बाट का प्रयोग करता है, तो कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर जरूर सेट करते हैं। आपको दुकानदार का दोस्तों कुल परसेंटेज टोटल गेन परसेंटेज निकालना है, तो क्या हो रहा है, पहले में 10% जो का फायदा ले रहा है और लास्ट में भी सेलिंग और बाय करते समय दोनों बार 10% का फायदा हो रहा है, यानी पहले भी 10% का फायदा हो रहा है और दूसरे टाइम भी 10% का फायदा ले रहा है, तो आपको 10% निकाल दीजिए, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। क्या होगा, ये दो से ये कैंसिल हो गया, 10, 10, 20 और 1, 21, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। जब भी क्वेश्चन इस टाइप के आए तो इसी तरीका से बनाने का कोशिश कीजिए, सक्सेसिव मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन 107 नंबर क्वेश्चन, थीक से थीन हो रहा है तो आइडियल से क्या होगा। रीजनिंग का क्वेश्चन है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। थीक मतलब मोटा, थीन मतलब पतला हो रहा है दोस्तों, तो आइडियल आलसी है तो उसका विलोम क्या होगा। थीक मोटा का मतलब पतला, आइडियल मतलब आलसी है, तो इससे क्या होगा, इंडस्ट्रियस, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इंडस्ट्रियस कहने का मतलब दोस्तों परिश्रमी इसको बोला जाता है, आलसी आइडियल जो है आलसी है तो इसका जो है इंडस्ट्रियस यानी परिश्रमी इसी को बोला जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। इफ एंट्री इज कोडेड एट इतना एंड स्टडी इज कोडेड एट इतना, एंड इसका कोड क्या होगा दोस्तों। आपको कुछ नहीं करना है, जो आपको गिवन उसी के अनुसार बनाना है। आपको एन का कोड क्या है, इसमें से सेलेक्ट कर, एन का 8 है, ई का क्या है दोस्तों, ई का 9 है, ए का क्या है, ए का दोस्तों ए का 2, 2, 4, 2, 2, 4, 3 है, 893 किसमें मिल रहा है, इसमें और इसमें मिल रहा है, और भी देख लेते हैं। टी का क्या है, टी का 2, 1, 3, 2, 1, 3, 4 है, एन का क्या है, एन का 8 है, यानी 8, 9, 3, 4, 8, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हु इज ऑथराइज्ड टू ट्रांसफर द जज ऑफ वन हाई कोर्ट टू अनदर, भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करने का अधिकार किसे है।
ये दोस्तों आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत करवाया गया है, मास्टर वीडियो में आरआरबी जेई का जो है सेट प्रोवाइड कराया था, तो उसमें करेक्ट आंसर होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये राइट है, अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 113 नंबर क्वेश्चन, शर्ट को गारमेंट पोटैटो को क्या बोला जाएगा, शर्ट एक वस्त्र है दोस्तों, तो आलू क्या है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा, आलू क्या है, वेजिटेबल है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, सब्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है द मोड ऑफ द डाटा, ये जो डाटा गिवन है दोस्तों उसका आपको बहुलक निकालना है, मोड निकालना है, तो मोड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो है आपको डाटा में जो मैक्सिमम टाइम रिपीटेड है वो आपका मोड होगा, वही आपका बहुलक होगा। वन कितना टाइम है दोस्तों, दो टाइम है, 9 1 2 3 टाइम है, यानी 9 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन है हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द एस्पोय म्यूनिटी ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, किस गवर्नर जनरल के समय भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ था, सभी लोग कमेंट कीजिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कब हुआ था दोस्तों, 1857 में हुआ था, ये प्रसिद्ध विद्रोह मेरठ में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 119 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन है इन ए क्लास टेस्ट स्टूडेंट स्कोर 22 मार्क आउट ऑफ 25 मार्क, ये रिपीट हो गया दोस्तों, द स्टूडेंट मार्क इन परसेंटेज में पूछ रहा है, एक कक्षा में परीक्षण के में एक विद्यार्थी 25 अंक में से 22 अंक अर्जित करते हैं, विद्यार्थी को अंक परसेंटेज निकालना है, 25 में दोस्तों 22 नंबर आ रहा है तो कितना परसेंट हो रहा है वो आपसे पूछा जा रहा है, कुछ नहीं करना है, 22 × 100/25 कर दीजिए, आपका करेक्ट आंसर आएगा, 25 × 100 / 22 = 88, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, 88% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन है दोस्तों धरून हैज ए ब्रदर आनंद, धरून इज द सन ऑफ कुमार, कृष्णन इज कुमार्स फादर, हाउ इज आनंद रिलेटेड टू कृष्णन, कहने का मतलब दोस्तों धरुण का एक भाई आनंद है, धरुण कुमार का पुत्र है, कृष्णन कुमार के पिता है, आनंद कृष्णन से कैसे संबंधित है, सभी लोग बताइएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ट्राई कीजिए, इस क्वेश्चन के लिए आपको 15 सेकंड समय दिया जा रहा है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों उसी तरीके से आपको करना है, धरुण का एक भाई आनंद है, क्या है धरुण का एक भाई, क्या है दोस्तों आनंद है, ठीक है मैं ले लेता हूं यहां पे, धरुण का एक भाई आनंद है, यहां पे लिख देता हूं, धरुण कुमार का पुत्र है, धरुण जो है दोस्तों ये किसका पुत्र है, कुमार का पुत्र है, ठीक है, कृष्णन जो है कुमार के पिता है, कुमार के पिता कौन है, कृष्णन कुमार के पिता है, आनंद कृष्णन से कैसे संबंधित है, आनंद जो है कृष्णन से कैसे संबंधित है, ये आपको रिलेशन पूछा जा रहा है, आनंद कृष्णन के क्या होगा दोस्तों, ये पुत्र ही तो होगा, ऑप्शन पुत्र नहीं पोता होगा, पुत्र तो यहाँ ये जो हुआ ये पुत्र हुआ, पुत्र के पुत्र क्या होता है, पोता होता है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबरिंग से मत जाइए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आपको 100 के नीचे अंदर ही है, यहाँ पे दोस्तों जो महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसी क्वेश्चन को सिलेक्ट किया जाता है, इसलिए क्वेश्चन नंबरिंग मत जाइए, आपको क्वेश्चन का लेवल एंड क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे जाया कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन है मार्च 2019 में प्रमोद सावंत, ध्यान दीजिएगा किनका बात हो रहा है, प्रमोद सावंत किस राज्य के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, सभी लोग कमेंट कीजिएगा, सभी के द्वारा कमेंट आना चाहिए दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करते हैं, पहले सभी लोग कमेंट कीजिएगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी गोवा, ठीक है दोस्तों, प्रमोद सावंत जो है करंट में गोवा का मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, पीएसएलवी C-45 के जरिए किस उपग्रह को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया। सभी लोग कमेंट कीजिएगा, सभी के द्वारा कमेंट आना चाहिए दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करते हैं, एमीसेट, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, एमीसेट। ठीक है, नाम याद कर लीजिएगा, EMISAT। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहां पे EMISAT का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाएगा, पूछ लिया जाता है फुल फॉर्म, याद कर लीजिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटेलिजेंस गैदरिंग सैटेलाइट। क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटेलिजेंस गैदरिंग सैटेलाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मोहन करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन है EMISAT। EMISAT क्या है दोस्तों? EMISAT क्या है, सब लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करते हैं, EMISAT जो है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को मापने वाला उपग्रह है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मार्च 2019 में जारी सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार भारतीय हथियार आयात में किस देश की हिस्सेदारी सर्वाधिक है। सभी लोग कमेंट कीजिएगा, सभी के द्वारा कमेंट आना चाहिए दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, रशिया, रूस। आज का सेशन दोस्तों यहीं पे समाप्त किया जाता है। आई होप, आशा करता हूं कि आप लोग इस सेशन को अच्छे से एंजॉय करते हुए टेस्ट को लगाए होंगे। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। ठीक है, डेली आपको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टाइम 9 PM में डेली आपका ग्रुप डी और NTPC दोनों का मिक्स टेस्ट दोस्तों दोनों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल कारगर साबित होगा दोनों एग्जामों के लिए। इसलिए डेली हैबिट बनाइए, 9 PM में आपको ये टेस्ट जो है आपको डेली एग्जाम तक प्रोवाइड कराया जाएगा। और जो स्टूडेंट अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, फटाफट कर दीजिए वीडियो को लाइक, एंड व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने की कोशिश जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा तभी जो है दोस्तों और भी स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा सकेंगे। लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए, और जो नए स्टूडेंट हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फटाफट कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और घंटी के बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि घंटी का बेल आइकन ऑन रहेगा तभी चैनल पर जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होता है उसका सीधा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। ठीक है दोस्तों, एक और खुशखबरी की बात है कि एक नया सेशन जो है SSC JEE का जो है आपको नॉन टेक पार्ट का जो है जल्दी प्रोवाइड कराया जाएगा, आपको उसका शेड्यूल भी प्रोवाइड जल्द ही आपको करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।